सफाई सफाई पर सफाई, अब एक और सफाई। जी हाँ, अब नोएडा के बाद बरेली में भी एक ऐसी घटना हुई है जिसके बाद बीजेपी को खुद सामने आकर एक बार फिर से सफाई देनी पड़ेगी, क्योंकि पहले मारपीट करो, गाली गलौज करो, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करो और उसके बाद सामने आकर माफी मांग लो। ये सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका है जो आजकल बीजेपी की तरफ से बखूबी अपनाया जा रहा है। ये हमारे शब्द जरूर हैं, लेकिन हकीकत जो है बिल्कुल यही है। नोएडा का मामला अभी शांत नहीं हुआ है, श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और बरेली में एक और ताजा तरीन मामला सामने आ गया जिसमें फिर से बीजेपी विधायक ने महिलाओं को घसीट घसीट कर पीटा है और ऐसा पीटा है कि महिला होने की जो मर्यादा है उस तक को नांगे है। और उसके बाद ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसको खुद समाजवादी पार्टी के जो ट्विटर ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उससे शेयर किया गया है और बताया गया है कि देख लीजिए यूपी में जो दुहाइयाँ दी जाती हैं कानून व्यवस्था की, उसकी कैसे रोज धज्जियाँ उड़ रही हैं, रोज आए दिन महिलाओं के साथ ऐसी बदसलूकी हो रही है, लेकिन जब सामने मामला आ जाता है तो बीजेपी अपना पल्ला झाड़ने में बिल्कुल देर नहीं करती है और सीधा साफ कह देती है कि हमारा इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस तरह महिला को पीटा गया कि वो जान बचाने के लिए अपनी घर के अंदर जाती है, लेकिन घर के अंदर अपने गुर्गों के साथ जाकर महिला को खींच कर घसीट कर बाहर लेकर आते हैं बीजेपी नेता और उसको इस तरीके से मारते पीटते हैं जिसके बाद महिला बस मौत की भीख मांगती हुई नजर आती है कि या तो मौत दे दो या फिर हमें बख्श दो। इस तरीके के हालात हो जाते हैं और कौन बीजेपी नेता है जिसके बाद क्या सामने आकर फिर से कह दिया जाएगा कि ये हमारे नेता है ही नहीं, हमने तो इनको कभी अपनी पार्टी की तरफ से कुछ कहा ही नहीं, अपनी पार्टी में शामिल ही नहीं किया। तो एक बार इत्तेफाक हो सकता है, दो बार हो सकता है, तीन बार हो सकता है, चार बार हो सकता है, लेकिन बार बार इत्तेफाक पर इत्तेफाक, इत्तेफाक पर इत्तेफाक, कितने इत्तेफाक होंगे आखिर बीजेपी में। फ्रिंज एलिमेंट घोषित कर दिया गया, आईटी सेल वाले को कह दिया गया कि हम इसको जानते नहीं हैं और अभी नोएडा वाले में साफ तौर पर इनकार कर दिया गया कि ये हमारा नेता ही नहीं है, हमने कभी इसको इस पद पर रखा ही नहीं। तो आखिर ये कहां से आ रहे हैं, कहीं से टपक रहे हैं या फिर जमीन से जो है फाड़ कर जमीन निकल रहे हैं कि तथाकथित कुछ को बीजेपी का जो है नेता बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है क्या बीजेपी को? एक घटना गलत हो सकती है, झूठी हो सकती है, सारी की सारी तो नहीं हो सकती है ना। इस पर जरूर अब कुछ ना कुछ एक्शन बीजेपी की तरफ से लेना चाहिए कि आखिर इतने लोग कैसे पैदा हो रहे हैं जो बीजेपी का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे बीजेपी के नाम पर ये लोग महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं जिससे बीजेपी का नाम खराब हो रहा है। बीजेपी एक तरफ तो अराग अलापने में नहीं थकती है, महिला सशक्तिकरण के जो है अभियान चलाए जाते हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात की जाती है, लेकिन उसी यूपी में इस तरीके की तस्वीरें वो भी बीजेपी नेता के द्वारा पीटते हुए निकल कर सामने आती हैं, तब तो पता लगाने की जरूरत हो जाती है ना। दोस्तों नोएडा का मामला जैसा सब जानते हैं अभी शांत नहीं हुआ है, इसके बाद अब बरेली से एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो वीडियो काफी ज्यादा सवाल खड़े कर देता है। एक बीजेपी लीडर महिला से मारपीट करते हुए नजर आएगा, पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि उसके साथ छेड़छाड़ और मारपीट की गई। पीड़िता ने इसकी शिकायत थाने में भी कर दी है। आपको बता दें कि सरकार जो है जहां एक तरफ कानून व्यवस्था की मिसाल पेश करती है और राग अलापने में नहीं थकती है, तो दूसरी तरफ उसके ही नेता गुंडागर्दी और छेड़छाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। भाजपा नेता जितेंद्र रस्तोगी सरे राह गुंडागर्दी करते हुए नजर आए हैं वीडियो में। बरेली शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के ख्वाजा कुतुब इलाके में भाजपा नेता जितेंद्र रस्तोगी ने एक महिला के साथ जमकर जो है मारपीट की। जितेंद्र रस्तोगी गाली गलौज और छेड़छाड़ करते हुए महिला और उसकी बेटी के साथ मारपीट करता है जिसका पूरा वीडियो जो है वो कैमरे में कैद हो जाता है और अब वायरल है। सत्ता के नशे में चूर बीजेपी लीडर जितेंद्र रस्तोगी ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर महिला को इस तरीके से पीटा कि जान से मरने की नौबत आ गई। मारने की धमकी मिलने से महिला को परिवार सहित जान का खतरा अब सता रहा है।
महिला ने शहर कोतवाली में जितेंद्र रस्तोगी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद की कार्रवाई से हर कोई अवगत है। बार बार मैं यही चीज बताती हूँ, सिर्फ और सिर्फ मुकदमा दर्ज होने से समस्या का हल नहीं हो जाता है। मुकदमा दर्ज करने के बाद भी कार्रवाई होती है, असल कार्रवाई तो उसके बाद शुरू होती है। ये तो लिखित में मिल जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, इस इंसान के साथ ऐसा गलत हुआ है, तो इसने मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन बाद में पुलिस पर सारी जिम्मेदारी आ जाती है कि उस मामले में जांच पड़ताल कर उसकी इन्वेस्टिगेशन करे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और एक के बाद एक मामले आखिर ऐसे निकल कर क्यों सामने आ रहे हैं। क्या सच में बीजेपी को जो है बदनाम करने की साजिश रची जा रही है या फिर बीजेपी कि कथनी और करनी दोनों में फर्क है। इसमें दिखावे के कुछ और हैं और असल में उनके जो चरित्र हैं वो कुछ और दर्शाते हैं। बरेली से निकलकर सामने आया वीडियो और ये पूरी घटना इस बात का जीता जागता सबूत है कि बीजेपी इस बार पल्ला नहीं झाड़ सकती है अपनी इस तरीके की करतूतों से। आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय।